नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारी मौजूदगी इस वक्त खगड़िया के बस स्टैंड में है। बलवाही स्थित ये बस स्टैंड में बने खगड़िया नगर परिषद के द्वारा आश्रय स्थल की आज हम रियलिटी चेक करेंगे। रात्रि के 12 बज रहे हैं और इस 12 बजे रात्रि में आखिरकार ये आश्रय स्थल आम लोगों के कितने काम आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन निसहायों के लिए या फिर रात को इस हार पिघलाती ठंड में खुले आसमान के नीचे नौ लोगों को सोना पड़े, दूर दराज से आए हुए उन लोगों को जिनके हाथ खाली है या जिनके पैकेट में पैसे नहीं है, या फिर उन निसहायों के लिए जो दिन रात ठेला रिक्शा चलाकर अपने जीवन व्यतीत करते हैं और पूरी रात अगर उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में अगर उन्हें बितानी पड़ी तो खुले आसमान के नीचे ना सोना पड़े, जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई है। अगर आपको रात हो जाए, खगड़िया के किसी भी सुदूर इलाके से आप आए हैं या बिहार के किसी कोने से खगड़िया बस स्टैंड पहुंचे हैं और आपको रात बितानी हो और आपके पैकेट में पैसे ना हो तो आपको एक शानदार व्यवस्था मिलेगा आश्रय स्थल में, जहां एक चौकी और एक रसाई एक गद्दे आपको मिलेंगे और इस कड़कड़ाती हुई ठंड में आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। आइए हम आपको आश्रय स्थल की ओर ले जाएंगे। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर बाहर में हेल्प डेस्क के जो बैनर लगे हैं और इस बैनर की अगर हम बात करें जहाँ आश्रय गृहों तो सहायता केंद्र बनाए गए हैं और इस सहायता केंद्र में अगर हम बात करें जो ये संचालित हो रहा है जिला सामाजिक सुरक्षा एवं खगड़िया नगर परिषद के द्वारा जो है, हम आपको आइए अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। और ये जो ये डेस्क है यहाँ पे हेल्प डेस्क, इसके अलावा जो लोग यहाँ पर जो राहगीर आते हैं या फिर जो निसहाय उन लोगों के लिए ये बनाए गए हैं। अभी तो बेड्स खाली हैं बहुत सारे, महज इधर दो लोग सोए हुए हैं और इधर एक लोग सोए हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो किसी काम से खगड़िया आए हैं और रात हो गई, अब इन्हें जाने के लिए या फिर किसी होटल में जो है रहने के लिए रात बिताने के लिए इनके पास पैसे उतने नहीं हैं। इन्हें जानकारी मिली दूर से देखने के बाद और ये पहल जो जिला प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा जो ये आश्रय स्थल बनाए गए और जिला प्रशासन के द्वारा जिन्हें संचालित किया जा रहा है, इसको लेकर के जो यहाँ पर रात बिताने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं, हमने उनसे बातचीत की है। जरा आप सुन लीजिए कि रात्रि के 12 बजे बोलता खगड़िया ने जो पड़ताल की है, उस पड़ताल में जो लोग यहाँ पर रात बिता रहे हैं इस हार पिघलाती ठंड में, जो रसाई के अंदर यानी कमल के नीचे में जो रात बिता रहे हैं, उनका क्या कहना है जरा आप सुन लीजिए। है आपका नीतीश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप नीतीश? पटना के। अब खगड़िया आए हुए थे जी। अच्छा, तो किस किसी काम से आप आए थे तो यहाँ रात कैसे मौका मिला यहाँ पे ठहरने का, कैसे जानकारी मिली आपको? यहाँ देखे तो लाइट बोर्ड लगा हुआ था हाँ। बाहर में ऊपर तो पढ़े तो देखे तो आए। अच्छा, ये कितना जो है सुखद अनुभूति देता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जिला प्रशासन के द्वारा या फिर नगर परिषद के द्वारा जो इंतजाम किए हैं, एक चौकी बेड कम से कम कम्बल मिल गया इस कड़ाके की ठंड में, पैसे भी आपके बच्चे जी। कहीं बाहर अगर आप होटल वगैरह देते तो पैसा देना पड़ता ना वहाँ पे जी, जी। यहाँ पे पैसा वगैरह भी लगा क्या? जी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में जी। बाथरूम वगैरह भी सारा चीज अच्छे से है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है जी? नहीं। अच्छा अच्छा, फिर आप सुबह फिर यहाँ से चले जाएंगे जी? सवेरे चले जाएंगे बिल्कुल। ये जो आपके साथ में, ये भी आपके साथ में ही है? साथ में। अच्छा, दोनों आदमी काम से आए थे जी। अभी अगर किसी होटल में रहना होता तो पैसा आपको लगता जी? लगता। चलिए, क्या कहेंगे यहाँ के खगड़िया के जिला प्रशासन को, क्या कहेंगे जिन्होंने ये व्यवस्था? बहुत अच्छा कहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिला प्रशासन जी। चलिए ठीक। इस तरीके का और कहीं किसी बिहार में या किसी भी जिले में अगर जाते हैं किसी काम से, इस तरीके का मिलता है क्या? सर ऐसा तो नहीं मिला है सर। ऐसा कहीं नहीं मिला, फ्री में जहाँ रहना पड़ जाए जी। अच्छा सर बिल्कुल। मैं आपका विश्वजीत, ये आश्रय स्थल है ना ये, इसमें कैसे लोग आते हैं? अगर मैं रात यहाँ पे रुकना चाहूँ तो रुक सकता हूँ? इसके लिए क्या प्रक्रियाएं हैं? एक बार एक आधार कार्ड लगेगा हाँ, उसे रजिस्टर कर लेंगे हाँ हाँ, तो उसके बाद आपको एक बेड, एक तकिया हाँ, और बेडशीट, एक कंबल मिल जाएगा। कंबल मिल जाएगा, आराम से रात बिता के हाँ, आपका जब इच्छा हो अपना जा सकते हैं। अगर हम एक दिन के बदले दो दिन तीन दिन रहना चाहो रह सकते हैं? जब जाइएगा अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा बात। अच्छा, तो पैसा वगैरह हमारे पास नहीं है तो पैसा भी देना पड़ता है? नहीं। पैसा नहीं देना पड़ता है? अच्छा, ये ठंड भर ही ये फैसिलिटी रहती है? सब दिन सब दिन सब दिन रहती है। अच्छा,
तो यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं डेली? आज तो बहुत सारे बेड खाली नजर आ रहे हैं हमें। आजकल में हेल्थ बेसिस बहुत चलते भी बहुत नहीं भी चलते हैं। हाँ हाँ, तो जिस दिन आते पूरा भरा आता है। परसों पूरा भरा हुआ था। परसों पूरा भरा हुआ था, अच्छा। फिर कल वही 8-9 आदमी थे, कुछ 12 बजे आए थे, कुछ 3 बजे आए थे, कुछ 6 बजे आए थे। अच्छा, कुछ 8 बजे भी आए थे जो सुबह होते हुए गए थे। अच्छा, तो लोग क्या कहते हैं जहाँ यहाँ फ्री में जो है लोगों को मदद मिल जाती है रहने के लिए, कड़ाके की ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे ना सोए, तो वो कुछ कहते भी हैं? लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। हाँ, अच्छा, जगह नहीं दिखे फिर कभी। हाँ, तो आप पूरी रात जगे रहते हैं या फिर सो भी रहते हैं? जगे भी रहते हैं, सोए भी रहते हैं। अगर मैं सुबह में 3 बजे जाकर के आवाज़ दूँ तो फिर आप खोल देंगे? खोल देंगे, मुझे मिल जाएगी बेड यहाँ पे आराम से। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? विश्वजीत कुमार। गुड जॉब।